हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 26, बुक फॉलो कर रहे हैं हम आरएस अग्रवाल। टॉपिक है हमारा 3D ज्योमेट्री। ठीक है, इससे पहले हम लोग वेक्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट था सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। यहाँ ज्योमेट्री हम लोग पढ़े थे कौन सा, क्लास 12 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, तो वहां तो हम लोग ऑलरेडी कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेकर के चलते थे, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री पूरा एकदम वेक्टर मेथड से। ठीक है ना, इसमें वेक्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर वेक्टर नहीं देखे हैं, वेक्टर का वीडियो नहीं देखे हैं, या वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो फिर हम आप 3D पढ़िएगा तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पहले वेक्टर का वीडियो जो है ना कंप्लीट कीजिए, वेक्टर का जो कोर्स है एक्सरसाइज है उसको एक एक क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलो बच्चों, बेसिकली 3D होता क्या है, नाम से ही लगता है 3D। अब तो भाई अब तो 4D 5D 7D तक आ गया है। ठीक है ना, चलो हम लोग को पढ़ना है कौन सा 3D। 3D में क्या होता है, देखो इधर x एक्सिस, इधर z एक्सिस, सॉरी इधर y एक्सिस, इधर कौन सा, यहाँ y एक्सिस, और ऊपर होता है z एक्सिस। ऊपर क्या होता है z एक्सिस, क्योंकि z एक्सिस हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये बाहर बाहर आएगा, इसे बाहर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ऊपर ड्रॉ करते हैं। क्लियर है, यहाँ पर कोई पॉइंट P लिया है जिसका नाम दिया हमने x, y, z, इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और यहाँ इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख करके, हम लोग जनरली हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे कहीं भी, एक्स वाई एक्सिस, ये रहा हमारा जेड एक्सिस, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा एक्स, एक्स एक्सिस पे हमेशा आई वेक्टर होता है, वाई पे कितना जे, जेड एक्सिस पे क्या होता है हमेशा के। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जिसका हमने कोऑर्डिनेट है x, y, z। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर से देखो ये एक्स क्या है, एक्स है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन। एक्स क्या है डिस्टेंस ऑफ पी, यानी पी का डिस्टेंस, यही तो होता है कोऑर्डिनेट। एक्स क्या है जेड, किसका है एक्स क्या है, बोलो बोलो, पी का डिस्टेंस कहां से, एक्स ले रहे हैं तो वाई जेड प्लेन से। अब वाई के बारे में बात करेंगे तो वाई को यहां छोड़ दो, जेड एक्स प्लेन से उसका डिस्टेंस। जेड क्या है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, इस सबको याद कैसे रखना है कि एक्स का बात कर रहे हैं, एक्स क्या है तो डिस्टेंस है पी का, किससे वाई जेड प्लेन से। वाई का बात करेंगे तो वाई डिस्टेंस है किसका, पी का, कहां से, एक्स जेड प्लेन से। जेड का बात करेंगे, जेड क्या है तो जेड है डिस्टेंस ऑफ पी के कहां से, एक्स वाई प्लेन से। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला है, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, ये हो गया वाई जेड प्लेन, ये हो गया एक्स जेड प्लेन, ये वाला कौन सा हो गया एक्स वाई प्लेन, इसको नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए एक्स जेड प्लेन। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए वाई जेड प्लेन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन में, यानी एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, जेड का वैल्यू जीरो, तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ वाई एक्स वाई प्लेन में क्या होता है जीरो, और इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन में कौन सा एक्स एक्सिस जीरो, और इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन में कौन सा जीरो होता है, वाई जीरो होता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते थे, एक्स एक्सिस इधर देखो कौन सा, यहाँ पर इधर ये इधर वाई, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले लाइन पर वाई एक्सिस क्या होगा, जीरो होगा कहीं पर भी। ठीक है, तो वही चीज है कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होगा, जेड एक्सिस जीरो, समझ में आया, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला है। ठीक है ना, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या देखते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एकदम ध्यान से देखिए, हम एकदम पॉइंट वाइज बताएंगे और सब क्वेश्चन का आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है ना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, और साथ ही साथ आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ना, एक बार डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट्स जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप कितना सीख रहे हैं, पढ़ाई कितना परसेंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना, वो भी कमेंट्स करके जरूर हमें बताएं। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर हो गया ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट नाम दिए बी, इसका कोऑर्डिनेट है कितना x1 y1, ये है z1, इसका नाम है कितना x2 y2, और ये है z2। ठीक है, तो डिस्टेंस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहां से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना टेंथ से ही लिखते आ रहे हो, ठीक है, इसमें सिर्फ एक और पॉइंट बढ़ जाएगा जेड वाला, था z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ काम करेगा, कहाँ काम करेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए, तो दो पॉइंट के बीच का। क्लियर है, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं जो है सेक्शन फॉर्मूला के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं। ठीक है ना,
याद करो इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, ठीक है ना। यहाँ पर पहला नंबर पॉइंट है इंटरनल डिवीजन, क्या है इंटरनल डिवीजन, इसका क्या फॉर्मूला होगा देखो, यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, ध्यान से देखो यहाँ पॉइंट पी, ठीक है, इसका ए का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वन वाई वन जेड वन, बी का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स टू वाई टू एंड जेड टू, पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक है। पॉइंट पी ए बी को क्या करता है एम इस टू एन में डिवाइड करता है, ठीक है। तो एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलो, इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई करो तो एम एक्स टू प्लस फिर इसको इधर से एन को इधर से एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। y बराबर क्या फॉर्मूला एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, सिर्फ ऐसे ही करना है। z बराबर फिर एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन कितना एम प्लस एन, क्या करोगे देखो इधर m को इधर से मल्टीप्लाई करना है और n को इधर से मल्टीप्लाई, x ले रहे हैं तो x के साथ y ले रहे हैं तो y1 और x1 का काम करेगा, ठीक है। z लेंगे तो z z2 और z1 और नीचे में m प्लस एन, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, सेकेंड नंबर है कौन सा एक्सटर्नली डिवीजन, एक मिनट, एक्सटर्नली डिवीजन में क्या हो जाएगा, देखो एक्सटर्नली डिवीजन में क्या होगा कि ए बी, ठीक है ना, को पी पॉइंट क्या करेगा एक्सटर्नल डिवीजन करेगा एम और एस टू एन, मतलब एम ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, बीच में खाली माइनस हो जाएगा, तो एक्स वाला क्या हो जाएगा एम एक्स टू माइनस कितना एन एक्स वन अपॉन कितना एम प्लस एन, ठीक है। वाई बराबर कितना एम वाई टू माइनस एन वाई वन, कितना हो जाता है एन वाई वन अपॉन कितना एम प्लस एन, सॉरी माइनस होता है, जहाँ प्लस है इसमें खाली माइनस कर दीजिए। जेड बराबर एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन कितना एम माइनस एन, तो इन इंटरनली में प्लस याद रखना है और एक्सटर्नली में माइनस याद रखना है, ठीक है ना। अब यहीं पर क्या हो जाएगा, अगर पी हमारा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट थर्ड नंबर में, इफ पी इज द मिड पॉइंट, पी कैसा हो मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट ऑफ ए बी का, तो वो क्या होगा x बराबर क्या सिंपली कौन सा x1 प्लस x2 बाई टू, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन टू, y बराबर कितना तो y1 प्लस y2 अपॉन टू, और z बराबर कितना z1 प्लस z2 अपॉन टू कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद है फोर्थ नंबर में है सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। देखो एक ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम दे ओ, इसका नाम दो बी, इसका नाम सी, ए का एक्स वन वाई वन जेड वन और यहाँ है बी में एक्स टू वाई टू जेड टू और सी है एक्स थ्री वाई थ्री एंड जेड थ्री, ठीक है ना। यहाँ पर कोई पॉइंट है जी, इसको सेंट्रॉइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, तो जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा देखो, तो यहाँ पर फाइनली या तो सेंट्रॉइड लिखेंगे या क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ जी, तो यहाँ लिखे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा, यहाँ जी दीजिए, कुछ नहीं करना, देखो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीनों को ऐड कीजिए, तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री और अपॉन थ्री कीजिए, थ्री है ये, फिर वाई वन को लीजिए, यहाँ पर y1 वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री, फिर z1 वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री अपॉन थ्री, क्या करना है x1 x2 x3 को ऐड करके 3 से डिवाइड, फिर y1 y2 y3 को ऐड करके 3 से डिवाइड, फिर z1 वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री को डिवाइड करके 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसका आप क्या कीजिए स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, ये हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बड़ा इजी टॉपिक है,
इसको मान लीजिए लेट, हमने माना कि r बराबर कोई भी वेक्टर है ए आई, उसके बाद प्लस ए आई प्लस बी जे प्लस ई के वेक्टर, ठीक है। तो इसका क्या करो, पहले डायरेक्शन रेशियो लिखो, डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो, क्या होगा आई जे के क्या कॉफिशियंट होगा वही हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, कॉमा देकर के लिखना है, ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक है। क्या होगा आई का जे का के का कॉफिशियंट है, इसके साथ वाला जो रहेगा, आई के साथ कौन है ए, जे के साथ कौन है बी, तो इसको लिखेंगे, के साथ कौन सी, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब चलो, अब यहां पर मॉड निकाल लो इसका, आर का मॉड कितना, आई के साथ वाले का स्क्वायर कर दो, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दो, के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे, डीसी मतलब डायरेक्शन, डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। देखो बड़ा आसान है, यहाँ ए है तो ए अपॉन कौन सा मॉड ऑफ आर कर दीजिए, कॉमा बी अपॉन कितना मॉड ऑफ आर, कॉमा सी अपॉन कितना मॉड ऑफ आर, देखो कितना सिंपल है, सिंपल है ना। चलो इसको हम लोग एल, इसको हम लोग एम, इसको हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो अल्फा बीटा गामा एंगल दिया रहेगा तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, पहले वाला कॉस अल्फा, दूसरे वाला को हम लोग कॉस बीटा से डिनोट करेंगे, तीसरे वाले को हम लोग कॉस गामा से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर वन, ठीक है। इस तीनों को ऐड कर देंगे एल एम एन का, तो कितना मिलेगा हमें वन मिलेगा। ये चीज आपके ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में 100% पूछता है, ठीक है, सीबीएसई में कभी कभार पूछ देता है, ठीक है ना। इसको हमेशा आप नोट करके रखिएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसके बाद क्या है पॉइंट, इफ इफ टू पॉइंट्स आर गिवेन, टू पॉइंट्स आर गिवेन देन, तब डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए दो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, इसका पॉइंट एक्स वन वाई वन और ये रहा जेड वन, यहाँ हुआ एक्स टू वाई टू और ये रहा जेड टू, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें से इसको माइनस करो तो एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमा वाई टू माइनस वाई वन कॉमा जेड टू माइनस जेड वन, समझ में आ गया। बस इस सब को ब्रैकेट में नहीं लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन का, तो पहले आप क्या लीजिएगा, यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये आपका वेक्टर के फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर नहीं देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा कितना, एक्स टू माइनस एक्स वन और बट्टा में आर के वैल्यू जो निकलेगा उससे डिवाइड दीजिए, फिर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन कितना आर से डिवाइड दीजिए, जेड टू माइनस जेड वन और अपॉन कितना आर से डिवाइड दीजिए, ठीक है। ये रहा हमारा डायरेक्शन कोसाइन, ये रहा डायरेक्शन, ये कब लगाएंगे, जब दो पॉइंट्स आपका दिया रहेगा, वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा तो सीधे डायरेक्शन कोसाइन को आई के साथ वाला, जे के साथ वाला, के साथ वाला मॉड निकाल दीजिए, सब में अलग अलग डिवाइड दे दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन आपका निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्या है टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो मान लो यहां पर से कोई भी लाइन है, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास लाइन वन, और यहां पर कोई टॉपिक है इसका नाम दो आपके पास लाइन टू। इस लाइन वन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है कितना, एल वन एम वन और एन वन, इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है एल टू एम टू और एन टू, क्या दिया हुआ, दो लाइन है, दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है, तब हमें क्या निकालना है एंगल। तो एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, जो वैल्यू आएगा दो लाइन के बीच का एंगल निकल जाएगा। तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो इफ, इसी में कंडीशन बनता है, इफ लाइन वन परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, लाइन टू पे,
मतलब दोनों लाइन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू बराबर जीरो, ठीक है ना। अब देखो कैसे, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री पुट करोगे थीटा का वैल्यू, तो कॉस 90 डिग्री कितना जीरो, इधर वाला टर्म जीरो होगा। और ये सब जो रिलेशन है बिहार बोर्ड में अगर तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो वहां ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सिंपली, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है, इफ लाइन वन पैरेलल है किसके, लाइन टू के, तो उसमें हो जाएगा एल वन बाई एल टू बराबर कितना एम वन बाई एम टू और बराबर कितना एन वन बाई एन टू, बस यही कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इस एक्सरसाइज 26 को शुरू करने के लिए इतना टॉपिक पता होना चाहिए, ये सब एकदम बेसिक है, कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा तब जाकर के आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग एक्सरसाइज 26 का क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट नंबर है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट हुज डायरेक्शन रेशियो आर, पहला नंबर 2 माइनस 6 और 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन क्वेश्चन है, इसको करते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखिए आप सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर में आपको जो दिया हुआ है तो इसको एक को पहले वाले को 2, दूसरे वाले को क्या मानिए बी, और तीसरा वाला जो है उसको सी मानिए, ठीक है ना। अब इसका क्या कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर कितना होगा बोलो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 49, अब 49 को ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो डी सी यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 है तो यहाँ 2 अपॉन कितना 7, फिर कितना है माइनस 6 और अपॉन कितना 7, फिर कितना 3 और अपॉन कितना 7, से सब में डिवाइड दे देंगे, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन है, ए में दिया हुआ 5, 6, माइनस 3, बी में है 1, माइनस 6 और 3 दिया है, ठीक है। हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करो तो 1 माइनस 5, फिर दिस वन माइनस दिस वन तो माइनस 6 माइनस 6, फिर 3 माइनस 3 तो 3 माइनस पहले से तो प्लस 3, यहाँ हो जाएगा कितना माइनस 4, यहाँ कितना जाएगा माइनस 12, यहाँ कितना हो जाएगा 6, ठीक है। हम क्या सब इसमें क्या करेंगे, फिर हम लोग देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो इतना है तो सब में देखो क्या सेम टर्म से डिवाइड दे सकते हैं, क्या सेम नंबर से, तो उसमें सब में डिवाइड लगेगा लेकिन तो इससे हम लोग यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा 2, यहाँ पर कितना जाएगा 6, यहाँ पर कितना जाएगा 3, यहाँ पर जाएगा माइनस 2, यहाँ माइनस 6, इधर से 3, ये आपका डायरेक्शन क्या हो गया रेशियो। लेकिन आपके पास जो बुक है उसमें क्या किया है माइनस से भी डिवाइड दे दिया है, यहाँ माइनस से डिवाइड देने के समय तो यहाँ 2, यहाँ कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, माइनस प्लस सब देख करके, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो हो गया, अब रेशियो निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पूरा सबका स्क्वायर कर दो और रूट के अंदर में ऐड करते चलो, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बोलो, 4, 6 का स्क्वायर कितना 36 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, ये कितना हो जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा। अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन इसका 2 अपॉन 7 अपॉन यहाँ 7 लिख दीजिए, फिर कॉमा कितना 6 अपॉन 7 यहाँ लिखिए 6 अपॉन कितना 7, फिर कितना माइनस 3 अपॉन 7 यहाँ जाएगा माइनस 3 अपॉन 7, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा। ये वाला दो स्टेप में क्या होगा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले क्या करना है एक बार फिर से सुन लो कि सब में सेम टर्म से अगर सब में डिवाइड रहेगा तो हम डिवाइड लगा देंगे, ठीक है ना। अगर देख लेंगे माइनस भी कॉमन आने वाला होगा तो माइनस से भी आप डिवाइड कर देना या कॉमन लेकर के खत्म कर देना, ठीक है। इस वाले सिनेरियो में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में माइनस सब में नहीं तो माइनस से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुक का आंसर निकालने के लिए हमें माइनस से डिवाइड देना पड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। आंसर प्लस माइनस का
जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर में है आपके पास ए का वैल्यू दिया हुआ है -5, 7 और कितना -9 एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है -3, 4 और -6, ठीक है। तो आ जाओ डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -3 या -, +5 यहाँ 4 और माइनस कितना इधर 7, -6 और प्लस कितना इधर 9 हो जाएगा। इसको करोगे माइनस करोगे तो यहाँ 2, यहाँ करोगे तो -3, यहाँ हो जाएगा कितना 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकाल दीजिए तो 2 का स्क्वायर प्लस कितना -3 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 4 + 9 + 9 कितना हो गया, कितना के बोलो 9, 9, 9 इधर से 4, 9, 9, 18, 4, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो अब डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, 2 / √22 -3 / √22 और 3 / √22 यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आंसर मिला लेते हैं इसका, ठीक है बच्चों, इसका आंसर इतना ही है, ठीक है ना। तो आशा क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।